हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जो कि मानव संपदा से जुड़े हुए हैं और जिन्हें अपनी लीव लेनी होती है, चाहे वो कैजुअल लीव हो या मेडिकल लीव हो या फिर सीसीएल हो। तो एक फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम लीव लेते हैं और वो है फॉर्मेट मानव संपदा। तो मानव संपदा के थ्रू हम कैसे लीव ले सकते हैं, ये आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, जिन लोगों में एम स्थापना ऐप डाउनलोडेड है, जैसे कि मेरे में देखिए यहाँ पर ये रही एम स्थापना ऐप, अगर ये जिन किसी में डाउनलोडेड है तो उसके थ्रू भी हो सकता है, अदरवाइज़ जिनमें नहीं है डाउनलोडेड उनके लिए देखिए किस तरीके से हम लीव की प्रक्रिया करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम गए गूगल पे, ठीक, गूगल पे यहाँ हमने डाला मानव संपदा, ठीक है। जैसे हम मानव संपदा डालेंगे, ये देखिए मानव संपदा आदेश लिखा हुआ है ना, बस हमें इसी जगह पर जाना है, ये मानव संपदा आदेश पर इसको हमने क्लिक किया। देखिए दोस्तों, प्रक्रिया बहुत सिंपल है, बस इसे एक बार ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अब देखिए हमारा क्या आ रहा है, EHRMS लॉगिन, ये आया है, बस इसी पर हमको क्लिक करना है। ये देखिए, वेट अ मिनट, हाँ ये देखिए, ये हमारा पेज खुला। अब इस पेज पे क्या लिखा हुआ है, यूज़र डिपार्टमेंट। तो हम जैसे ही किनारे वाला एरो दबाएंगे, फिर से देखिए ये किनारे वाला जो एरो बना हुआ है इसको दबाना है। अब जो जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उस पर क्लिक करेगा। यहाँ पर बेसिक एजुकेशन से जैसे हम लोग हैं तो यहाँ मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक। आईडी जैसे हम, मेरे पास कुछ है लिंक, चलिए हम अपनी, आप चाहें तो आईडी सेव हो जाती है, मेरी सेव है, लेकिन चलिए हम फिर से आपको दिखाने के लिए एक बार फिर से अपनी आईडी यहाँ पर डालना है, ठीक है। पासवर्ड आपको अपना डालना है, जो भी आपको मानव संपदा का पासवर्ड दिया गया है आप वही यूज़ करेंगे। ये देखिए कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा बहुत ध्यान से आपको करना है क्योंकि यही गड़बड़ होती है और बार बार वो आपको बैक ले आता है तो फिर दिक्कत होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसे सही डालिएगा। अब ये लॉग इन आखिर में, ठीक है। अभी देखिए एंटर OTP आ गया है, क्योंकि अब मानव संपदा पे हमारा नंबर जो है वो रजिस्टर्ड है, जिसका नंबर रजिस्टर्ड होगा जब भी हम मानव संपदा करेंगे OTP ज़रूर मांगेगा, ठीक है। तो अभी ये OTP आ गया है, ये देखिए हमारी OTP आई हुई है, OTP आई है 52406 तो चलिए 52406 ये OTP हो गई, अब इसको वैलिडेट कर देता, ठीक। ये देखिए ये हमारा मानव संपदा का पेज खुल गया है जिसमें आपका नाम वगैरह सब कुछ आएगा। अब आपको लीव लेनी है तो कैसे, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आ रहा है, ऊपर ही आता है, ये देखिए जनरल के बगल में आपका आ रहा है लीव मॉड्यूल, ये देखिए ये आपको दिख रहा है ना, बस इसी पे जाना है, इसको हमने क्लिक किया, क्या आ रहा है माई लीव, ठीक, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ये रहा माई लीव, आपको इसी पर ही जाना है, ये हमने किया और थोड़ा सा ड्रैग कर लीजिए आगे की तरफ। तो जब ड्रैग करेंगे इधर की तरफ खिसकाएंगे तो देखिए ये क्या आ रहा है, सबसे पहले अप्लाई लीव, व्यू बैलेंस और व्यू एप्लीकेशन स्टेटस या फिर कैंसिल लीव, कई सारे ऑप्शन है। हमें क्या करना है, अभी अप्लाई करना है तो हम यहाँ अप्लाई लीव पर जाएंगे क्योंकि हमें लीव लेनी है। अप्लाई लीव में देखिए, जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, रिपोर्टिंग ऑफिसर ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। जैसा कि टीचर्स के लिए बोला गया है कि जो भी आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है, अगर हेडमास्टर हैं या आपके हेड हैं या जो भी हैं, आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर में आपको वहाँ पर उनका एंटर करना होता है, ठीक। दूसरा आता है आपका लीव टाइप, तो अब लीव टाइप में क्या, ये देखिए क्या दिया हुआ है,
सेलेक्ट, सेलेक्ट का ऑप्शन है वो किस तरीके की लीव चाहिए, लीव टाइप का मतलब होता है किस तरीके की लीव चाहिए। तो इस सेलेक्ट पर जब ऐसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कई सारी लीव है। अब मान लीजिए यहाँ मुझे कैजुअल लीव चाहिए, तो कैजुअल लीव पर हमने क्लिक किया, ठीक है। देखिए मेरी अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है 13 दिखा रहा है ना, तो ये कैजुअल लीव पर हमने क्लिक किया। अब क्या दिखा रहा है, फ्रॉम यानी कब से कब तक। तो आप यहाँ पर अगर मान लीजिए एक दिन की लीव लेनी है तो हम यहाँ पर ये रहा मान लीजिए हमें 9 तारीख की लेनी है, हमने 9 तारीख डाल दी, ठीक। अब कब तक लेनी है तो हमें 9 तक ही लेनी है, तो 9 से 9 तक ही हमने करा। अब उसके बाद बाकी बहुत सारी चीज़ें आप सबको छोड़िए, कहीं किसी पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। ये करने के बाद आप डायरेक्ट कहाँ पर आ जाओगे, सबमिट बटन पर। आप जैसे ही सबमिट करोगे आपकी लीव आ जाएगी, ठीक है। आपको समझ आ गया ना आपको क्या करना है। सबसे पहले हमें कहाँ जाना था, हमें सबसे पहले लीव मॉड्यूल पे जाना था, उसके बाद हमें कहाँ आना है। जैसे लीव मॉड्यूल पे जाएंगे फिर से आप, हम आपको फिर से बैक करके दिखा देते हैं, एक बार फिर से देखिए। ये देखिए लीव मॉड्यूल पे गए, लीव मॉड्यूल पे आया माय लीव, माय लीव को थोड़ा सा ड्रैग किया आया अप्लाई लीव, अप्लाई लीव पे आएंगे तो एज इट इज़ ये हमारा पेज खुलेगा। इस पेज पे आपको सिर्फ ये करना है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अवकाश का प्रकार यानी लीव टाइप, आपको बस यही जाना है। अब आपको इसी के सामने सेलेक्ट को थोड़ा सा इधर उधर खिसकाया हमने, देखिए सेलेक्ट के आगे ये एरो बन रहा है, हमें इसी एरो पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए ये दी हुई है लीव, हमने सबसे पहले कैजुअल चाहिए था तो हमने कैजुअल चूज़ किया था। अब उसके बाद कब से कब तक देना है तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे और डेट देखिए पूरी आ गया है। आपको जिस भी डेट की चाहिए आप वो डेट पर क्लिक करोगे तो डेट आ जाएगी। मान लीजिए 8 तारीख है तो 8 आ गई। कब तक चाहिए, हमें 8 तक ही यानी एक ही दिन की चाहिए थी। इसे देखिए नंबर ऑफ़ डेज कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, क्योंकि हमें एक ही दिन की चाहिए। अगर 2 दिन की चाहिए तो 8 से 9 तक कर दीजिए। अब उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपके पास वही रहता है, सबमिट बटन, आप सबमिट कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको कैजुअल लीव कैसे ली जाती है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अपने काम के अकॉर्डिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और फॉरवर्ड आगे शेयर करना मत भूले। तो फिर अगली वीडियो के लिए मैं अगली वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँगी कि कैसे मेडिकल लीव ली जाती है। तब तक के लिए बाय बाय।